गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज हम करंट अफेयर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम एक अभियान की बात करें तो अभियान में सबसे पहला अभियान पढ़ेंगे स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान किस सरकार ने शुरू किया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है। अगर आपसे बात करें इसमें क्या होगा, ऐसे ज़िलों को चूज किया गया जिसमें कम साक्षरता है। कम साक्षरता वाले ज़िलों में क्या होगा, कम साक्षरता वाले ज़िलों में 100% नामांकन की बात योगी सरकार ने की है। बात समझ में आया, तो ये रहा हमारा स्कूल चलो अभियान की बात। आइए हम बहुत सारे अभियान की चर्चा लगे हाथ कर लेते हैं। और अभियान की बात करें तो बात करें पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान की बात करें तो किसने शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने भैया ये पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। और इसमें क्या है देखिएगा, कक्षा आठ तक याद रखिएगा, आठ तक के जो छात्र होते हैं, आठ तक के छात्रों को स्थानीय भाषा या मातृभाषा में क्या उपलब्ध कराना, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, जिससे उनको नॉलेज अच्छा खासा मिले और वो समझ सकें। अब हम यही एक बात बतावा, अब तो हम चल हिंदी और अंग्रेजी जाने वाला मन नहीं है, अब हम तेलुगु में पढ़ाई समझ पाईबा ये बतावा। तो वही नाते अपने स्थानीय भाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की बात शिक्षा मंत्रालय ने इस अभियान के तहत किया है। आइए और बात करते हैं, जैसे भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान क्या है, ये भी किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है याद रखिएगा आपके वही शिक्षा मंत्रालय ने। इसका पुराना नाम MHRD मिनिस्ट्री था, लेकिन अब नया नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको भी शुरू किया है। इसमें क्या होगा, संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए, जिसके माध्यम से आप 22 के 22 भाषा जो संविधान में आपका लिखा गया है, उन 22 भाषा को आप आराम से सीख सकते हैं। 22 भाषा को सीखने के लिए ये योजना आपको चालू की गई है। आइए और बात करते हैं तीस और कुछ अभियान की। तो हाँ जी, जागरूक वोटर अभियान इम्पोर्टेंट है। ये जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत किसने किया है, तो याद रखिएगा जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत किसने किया है, ट्विटर ने किया है। माने सब लोग वोट दें, इसके लिए ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान की क्या किया है, शुरुआत किया है। और बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। तो ये किसने शुरू किया है, तो याद रखिएगा ये ही है, इसमें बहुत सारे मंत्रालय मिले हैं। तो पहला क्या है, वही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला प्लस बाल विकास मंत्रालय ने आया है। दूसरा कौन सा आया है, तो शिक्षा मंत्रालय आया है, शिक्षा मंत्रालय इसमें शामिल है। और एक और आया है यूनिसेफ भी इसमें क्या है, शामिल है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ, ये सब लोग इसमें क्या हुए, मिलकर के योजना चालू किए गए हैं। इसमें क्या होगा, 11 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना, लड़कियों को क्या करना, नामांकन के लिए प्रेरित करना। 11 से 14 साल के बच्चियों को स्कूल में नामांकन के लिए क्या करना, प्रेरित करना। और किसके तर्ज पर चालू किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर, जो 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर इसे क्या किया गया, उसी योजना का एक हिस्सा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक क्या है, ये हिस्सा है। इस योजना को आपको पता होगा पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था, पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। और इसमें क्या था याद रखिएगा, कब शुरू किया गया था, 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। 22 जनवरी 2015 को एक योजना और शुरू की गई थी, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके बताइएगा कौन सी वह योजना थी। आइए आगे और बात करते हैं, और कुछ योजना की बात कर लेते हैं, जैसे मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया है, तो याद रखिएगा मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है किसने, तो ये शुरू किया है आपकी बैंक HDFC ने। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान क्या किया है, शुरू किया है। इसमें क्या होगा, साइबर जो क्राइम होते हैं, जो लोग फ़ोन ऑन कर करके कहते हैं कि भैया ये आपका ATM नंबर फलां ठिकान बंद हो गया है, आप जरा अपना ATM नंबर पिन
जाइएगा, उस पर जाएगा बता दीजिएगा, तो ऐसा जो कहते हैं उसके लिए ये योजना चालू की है, जागरूकता बढ़ाने के लिए, साइबर मामले को रोकने के लिए ये योजना क्या की गई है, चालू की गई है। बात समझ में आ गया। आइए और कुछ योजना की बात कर लेते हैं लगे हाथ, जैसे 6S कैंपेन। 6S कैंपेन किसने चालू किया है, इम्पोर्टेंट है, PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है, 6S कैंपेन क्या किया गया है, चालू किया गया PNB के द्वारा। बात समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, सस्ते दरों पर क्या करना, ऋण देने की बात कही गई है। बात कंप्लीट हो गया। एक योजना और आई है, शून्य अभियान। शून्य अभियान किसने शुरू किया है, ये भी अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। और नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग ने इस शून्य अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, याद रखिएगा, जो आपके बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में क्या करना, शून्य प्रदूषण वाली गाड़ी को चलाना, शून्य प्रदूषण वाली गाड़ी को क्या करना, चलाने की बात कहा गया है। और ये भी कहा गया कि डिलीवरी के लिए, मैंने जो सामान भेजते हैं वो लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। बात समझ में आया। कैच द रेन किसने शुरू किया है, कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है, तो नाम से पता चल रहा है, जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने, जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया है, कैच द रेन अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। बात समझ में आया। इसमें क्या है, इसमें कैच द रेन में क्या होगा, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना की क्या की गई है, शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा। और आगे कुछ और अभियान की अगर चर्चा करें तो आयुष आपके द्वार, जी एक और अभियान आ गया, आयुष आपके द्वार अभियान, आयुष आपके द्वार अभियान, आयुष आपके द्वार अभियान किसने शुरू किया है, तो ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है, आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। अगर आपसे और बात करें, इसमें क्या होगा, 1 वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का क्या करना है, वितरण करना है। कितना, 1 वर्ष में, 75 लाख घरों में क्या करना है, औषधीय पौधों का क्या करना है, वितरण करना है। तो ये कुछ अभियान 2021-22 में चलाए गए, जो इम्पोर्टेंट थे आपके सामने हमने पेश किया। आइए कुछ हम आप रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ये लोग कोई पढ़ाता नहीं है, लोग बोरिंग का टॉपिक समझते हैं, नहीं लेकिन पढ़ना जरूरी है, हमें नंबर पाना है, नौकरी लेनी है, बात क्लियर है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले आपका जो फल है और जो फसल है और जो सब्जी है, इसके उत्पादन में कौन कितना अग्रणी है, इसके उत्पादन का रैंक की बात करते हैं, उत्पादन रैंक की बात करते हैं, कौन आगे है, कौन कहाँ पे है, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कुल खाद्यान्न में, कुल खाद्यान्न में, कुल खाद्यान्न का मतलब कुल चीज़ मिलाई उलाई जुलाई के खाने वाली फसलों में कौन आगे है, प्रथम पे कौन है, यूपी फर्स्ट पे, कुल खाद्यान्न में यूपी क्या है, फर्स्ट पे है, कुल खाद्यान्न में यूपी फर्स्ट पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। दूसरे पे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश दूसरे पे है। अगर कुल आपके तिलहन में, कुल तिलहन की बात करें, कुल तिलहन में कौन आगे है, तो याद रखिए तिलहन माने तेल वाला फसल, ठीक बा, तो राजस्थान तिलहन में नंबर एक पर है, दूसरे पे कौन है, गुजरात है, ये बातें आपको याद रखनी है। कुल अगर फल में पूछे, कुल फल में कौन आगे है, तो कुल फल में आंध्र प्रदेश आगे है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश फल में क्या है, आगे है। और दूसरे पे कौन है, पर आपका पूछ ले तो महाराष्ट्र बता दीजिएगा दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर नहीं, आपको पहला याद रखना है, पेट के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है, कुल के मामले में हर एक चीज कुछ ना कुछ ये हो ही जाला, बात समझ में आए, उत्तर प्रदेश ऐसा बात। कुल तिलहन में राजस्थान आगे है, वहां पे धान गेहूं जनता है, पानी ना ही पहला तिलहन वाले में कम पानी जरूरत पड़ा ला, राजस्थान में ज्यादा हो जाला। कुल फल के मामले में आंध्र प्रदेश का वातावरण बेस्ट है, वहां पर यह सब चीजें हो जाती है, पानी वानी ठीक ठाक बरस जाता है, ठीक है। और बात करें कुल सब्जी में, तो कुल सब्जी में जहाँ ज़्यादा पानी नहीं बरसा, मीडियम पानी रहे, तो यहाँ भाई अपना यूपी है भाई, यूपी में क्या है, कुल सब्जी के मामले में नंबर एक है। कुल बागवानी पूछ ले, कुल बागवानी काली मिर्च उर्च वाले के सिस्टम में काली मिर्च उर्च, तो इसमें आप जानते हैं मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, तो इसमें कुल बागवानी में कौन आगे है, केरल आगे है, ये बातें आपको याद रखनी है। आइए और बात कर लेते हैं,
हाँ जी, यही बगलिया बतियाई ले का आगे बढ़ी। अगर पूछे चावल के मामले में कौन आगे है, तो चावल जो है याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में तीन प्रकार के चावल बोए जाते हैं, तीन सीजन चावल बोए जाते हैं और तीन प्रकार के चावल बोए जाते हैं, इसलिए वेस्ट बंगाल चावल के मामले में क्या है, नंबर फर्स्ट पे है। चावल के बाद गेहूँ की लगे हाथ बतिया ले यहीं, तो गेहूँ के मामले में अपना यूपी आगे भैया, उत्तर प्रदेश आगे है। मक्का के मामले में कौन आगे भैया, तो याद रखिएगा मक्का के मामले में कर्नाटक आगे है। और मिलेट्स में कौन आगे है, जो अनाज होते हैं, दाने होती हैं, उनमें आपका राजस्थान आगे है, जिसको पानी की कम जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गया। आइए और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे दाल। हाँ जी, दाल की बात कर लेते हैं, दाल में कौन आगे है, तो याद रखिएगा दाल के मामले में जहाँ पानी की कम जरूरत पड़े, राजस्थान आगे है। और बाजरा, बाजरा वर्ष 2023 याद है ना, बाजरा वर्ष क्या मनाया जाएगा, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष क्या किया गया है, घोषित किया गया है। तो बाजरा में कौन आ गया भैया, तो बाजरा जानते हैं यूं पानी कम लगा ला, राजस्थान यूं आगे है। तो राजस्थान में जो जिसको कम पानी की आवश्यकता है, वो वाला मामले में राजस्थान नंबर एक पे है। बात समझ में आ गया। आइए और बात करते हैं। जी हाँ, तो चीनी, गन्ना की बात करें, गन्ना में सबसे नंबर एक पे कौन है, यूपी। नंबर एक पे है उत्तर प्रदेश। गन्ना में तो ये आगे वा यूपी, लेकिन चीनी में भैया वा यहाँ की चीनी बेस्ट, यहाँ पे गन्ना बेस्ट होता है, हमारे यहाँ गन्ना की क्वालिटी बेस्ट है यहाँ महाराष्ट्र में। तो चीनी के उत्पादन में क्या होता है, महाराष्ट्र नंबर एक पे है। और बात करें कपास, हाँ जी कपास बहुत पूछा जाता है, कपास में कौन आगे, काली मिट्टी जहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो गुजरात वाले एरिया में, याद रखिएगा। कपास के बाद बात करें तो अगर आम, आम की बात करें तो आम ओम के मामले में यूपी, आम हो गया, पपीता हो गया, इस सब के मामले में यूपी नंबर एक पे बा भैया, ठीक बा। आम पपीता के मामले में यूपी कितने नंबर पे है, नंबर एक पर है, क्लियर है। आइए और बात कर लेते हैं, और बात करें तो याद रखिए, हाँ आलू, देखा आलू के मामले में भी यूपी का है नंबर एक पे, आलू के मामले में यूपी किस पे है, नंबर एक पर है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आलू हो गए, और बतिया दे थी पपीता, बतियाबे के लिए एक जगह लिख दी उत्तर प्रदेश वाला, आलू पपीता आम गेहूं, गेहूं के बाद गन्ना, गन्ना के बाद और बतिया ले तो आम अमरूद हो ही गया, और ये आलू, इतने मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक पे है। कम है आलू पपीता आम गेहूं गन्ना, इन सब के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर एक पे है। ये बातें आपको याद रखनी है। और जौने चीज़ें में कम पानी लगत है, जैसे सरसों, सरसों के मामले में कौन आगे है, तो राजस्थान सरसों के मामले में क्या है, आगे है। इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। और बात कर ले जैसे, और कोई पॉइंट, हाँ एक पॉइंट और, हाँ देखा प्रोटीन का शहर या प्रोटीन का नगर, प्रोटीन की राज्य, प्रोटीन राज्य कौन कहलाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, सोयाबीन के मामले में कौन सा राज्य आगे है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सोयाबीन के मामले में क्या है, आगे है। सूर्यमुखी पूछ ले, कभी कभी पूछ लिया पीसीएस उसीएस में, तो सूर्यमुखी के मामले में कौन सा राज्य आगे है, कर्नाटक आगे है। चाय के मामले में कौन सा आगे है, असम राज्य आगे है। कॉफ़ी के मामले में कौन सा राज्य आगे है, तो याद रखना कर्नाटक आगे है। चाय और कॉफ़ी ये बातें हो गई। और कुछ पूछे मसाला, मसाला कुल मसाला पूछ ले, कुल मसाला के उत्पादन में कौन आगे है, मध्य प्रदेश। मसालों का बगीचा भले है, लेकिन ये कुल मसाला, कुल मिला के मसाला में ये आगे है। केला में कौन आगे है, आंध्र प्रदेश आगे भैया केला के मामले में। संतरा में भी कौन आगे है, अब आंध्र प्रदेश के एक जगह बतियाई ली, तो आंध्र प्रदेश किस में आगे है, तो सबसे पहले केला में आगे वह, आंध्र प्रदेश संतरा में आगे वह, और आंध्र प्रदेश अगर दिमाग में आवे तो हाँ एक पॉइंट और, टमाटर में भी क्या है, आंध्र प्रदेश नंबर एक पर है। टमाटर के बाद और कौन आंध्र प्रदेश, ये पॉइंट नहीं, इतना सा आप देख लीजिए, केला संतरा टमाटर में क्या है, आंध्र प्रदेश नंबर एक पे है। ये बातें आपको याद रखना है। यही वेस्ट बंगाल की बात करी कि हमें ई आगे, तो जो पश्चिम बंगाल है याद रखिएगा, ये बैगन के मामले में नंबर एक है। बैगन के बाद फूल गोभी के मामले में क्या है, ये नंबर एक पर है। ये लाइन आपको क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट। और चावल तो बताइए के लिए है, चावल के मामले में भी क्या है, ये वेस्ट बंगाल नंबर एक पर है, क्लियर हो गया। अगर लगे हाथ महाराष्ट्र के बात करी, महाराष्ट्र के महके में आगे बह, तो अंगूर, महाराष्ट्र किस में आगे है, अंगूर में आगे है। ये बात है आपके अभी पिछवा बतौलिए के में क्या बोलते हो, चीनी, चीनी के
मामले में महाराष्ट्र क्या है, नंबर एक पर है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो महाराष्ट्र को ये चीनी और ये दो बातें, और एक पॉइंट और ज्वार, ज्वार के मामले में महाराष्ट्र क्या है, आगे है। तो आपको हमने इतनी बातें बता दी। आइए राजस्थान का भी यही निपटा ले बगल में। राजस्थान किस में आगे है, तो राजस्थान जो है भाई, जो कम पानी लगत है, बाजरा हो गया, बाजरा के बाद दाल हो गया, दाल के बाद और कोनो राजस्थान के पॉइंट दिमाग में आवे तो जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, हाँ सरसों, देखा पीछा बतौलिए, सरसों के मामले भी राजस्थान क्या है, आगे है। तो ये तीन बातें आप राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। तो ये पॉइंट हो गई हमारा क्या, आपके सब्जी के बारे में और अनाज के बारे में कौन नंबर एक पर है, ये इतना आप पढ़ लीजिएगा, इतने से काम आपका चल जाएगा। और अगर हम आपसे बात करें कि भाई साहब ये खनिज वाले मामला में, खनिज के उत्पादन भंडारण में, तो बात करेंगे खनिज उत्पादन व भंडारण रिपोर्ट, इसमें कौन आगे है कौन पीछे, आवा ये हुक निपटाई ली। खनिज के उत्पादन और भंडारण रिपोर्ट की बात करें, तो खनिज के उत्पादन और भंडारण रिपोर्ट में बात करें तो सबसे पहले बहुत बार पूछा जाता है बॉक्साइट के मामले में। अगर पूछे, यहाँ हम बात करेंगे उत्पादन की, यहाँ बात करेंगे भंडारण की, जौन पहला बार हम वह बताए भंडारण की बात करेंगे, बस इसके अलावा और नहीं। तो खनिज के बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइड उत्पादित होता है, और भंडारण भी कहां पे है, उड़ीसा में भी क्या है, भंडारण ही है। पॉइंट समझ में आ गया। अगर पूछे यूरेनियम, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां होता है भैया, अपने वही जहां कोयला वोयला होता है, झारखंड में यूरेनियम होला, और ई भंडारण कहां ये पे इसका है सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में इसका क्या है, भंडारण है। और बात कर लें सोना अपने यूपी में कम है, लेकिन वही कर्नाटक जो है, वही दोनों जगह उत्पादन में भी है और भंडारण भी का है, दोनों सोना है, आगे है। बात समझ में आ गया। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करें, तो प्राकृतिक गैस जहां पेट्रोल निकाला, तो भैया ये असम दोनों में याद रखिएगा, असम यहाँ पर भी है और असम यहाँ पर भी है, जहाँ यहाँ पे डिगबोई असम याद है ना, यहीं पे चांदी लगे हाथ बतियाई ली हो, चांदी जौन बा चांदी बहु कहाँ मिल जाला, राजस्थान में मिला ला, और यहूँ राजस्थान में इसमें भी आगे है चांदी के मामले में। कोयला की बात कर लेते हैं, तो कोयला में कौन राज आगे बा भैया, तो कोयला के लिए आपको वही याद रखना है, हाँ छत्तीसगढ़ ये कोयले में आगे है, और भंडारण में कौन आगे है, झारखंड भैया भंडारण में क्या है, आगे है। ये थोड़ा बोरिंग का टॉपिक है, लोग पढ़ाते नहीं है, सोचते हैं कि मज़ा नहीं देता, अरे भाई एग्जाम में आएगा तो पढ़ाना तो पड़ेगा। कोयला हो गया, कोयला के बाद बात करें, हाँ एक पॉइंट और, तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा होला भैया, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट में तांबा ज़्यादा होता है, और भंडारण में कौन आगे है भैया, वहीं पड़ोसी उनके राजस्थान का है, आगे है भंडारण में। और पूछें हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता भैया, मध्य प्रदेश में, और इसका वो कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई, आइए कुछ अगले पेज पे चर्चा करते हैं। जैसे और कुछ बचा है, हाँ कच्चा तेल की बात करें, तो उत्पादन में और ये भंडारण में, कच्चा तेल की बात करें तो कच्चा तेल के उत्पादन में कौन सा राज्य आ गया, जहाँ कच्चा तेल सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान में। और बात करें कहाँ पे भंडारण है, असम में है, जहाँ तेल का कुआं होता है। बात समझ में आ गया। एक पॉइंट और, मैग्नीज, हाँ देखा भुलाई याद रही हो, मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वही मध्य प्रदेश में, एक उत्पादन से ज़्यादा उड़ीसा कलिंग वाला एरिया। क्लियर हो गया। और बात कर लेते हैं मैग्नीज के बाद, एक पॉइंट और, अभ्रक जिसे माइका कहते हैं, अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भाई, आंध्र प्रदेश में अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और भंडारण में भी क्या है, आंध्र प्रदेश ऐसे अभ्रक, ये बातें आपको याद रखनी है। एकरे अलावा और कोनो चीज़ पढ़े की जरूरत में ना ही, कोनो फायदा ना, इतना पढ़ी ला काम चल जाइए अपने पेटा खरते। क्लियर भाई। तो और बात कही ली हो, और का बात कही ली, भारत बात कर लेते हैं, जैसे विश्व में कौन सा देश आगे है भंडार में, विश्व में कौन सा देश आगे है इन खनिजों के मामले में, खनिज में कौन सा देश आगे है, आवा यो बतियाई ली। तो जैसे बात कही ले खनिज के मामले में, बॉक्साइट
बॉक्साइट में के आगे बे, उत्पादन में कौन आगे भैया, उत्पादन, उत्पादन में, और पूछ ले भंडारण में। आवा बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ होला, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन बॉक्साइट का, और भंडारण कहाँ पे है, गिनी में है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, याद रखिएगा। बॉक्साइट के बाद बात कर लें दरिए कोयला, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भैया, चीन में, और इसका आपका भंडारण कहाँ पर है, अमेरिका USA में है। और बात करें यहाँ पर चांदी, चांदी की बात कर ले तो चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भैया, तो मैक्सिको, मैक्सिको सबसे ज़्यादा चांदी देता है। और पूछे कहाँ पे इसका भंडारण है, तो पेरू में इसका क्या है, भंडारण है। अब बात कर लेते हैं कोयला भी हो गया, कच्चा तेल, हाँ देखा कच्चा तेल, कच्चा तेल के मामले में USA नंबर एक पे है उत्पादन में, और इसका भंडारण कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। कहाँ पे है, वेनेजुएला है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। और कुछ बात करें जैसे अभ्रक, हाँ जी अभ्रक, अभ्रक के मामले में नंबर एक पे कौन है, तो याद रखिएगा जो अभ्रक है इसमें नंबर एक पे कौन है, चीन है। और जो भारत है, ये लाइन आपको याद रखना है, अभ्रक के मामले में, अभ्रक के मामले में भारत विश्व में भंडार में पहले पे है। राज्य में आ जाए तो आंध्र प्रदेश पहले पे हो जाता है, क्लियर है। अभ्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको याद रखनी है। लोहा में, लोहा में सबसे ज़्यादा कौन आगे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी, लोहा में दोनों जगह क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही आगे है। और कुछ बात कही ले तो सीसा, सीसा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, सीसा सबसे ज़्यादा चीन में होता है। भंडार में कौन आगे है, ऑस्ट्रेलिया ही आगे है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पूरा पोथा हमें नहीं बनाना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये रहा आज की करंट अफेयर, जो आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।